तो हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि युइची ने कामिशिरो को बता दिया था कि उसने उसे कैसे हराया था, और फिर उसके बाद साटो ने युइची को चैलेंज कर दिया एक गैम्बल के लिए, और यही वो डिमांड थी जिस वजह से काइडो और युइची का कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। और उसी चीज के लिए युइची ने एक कॉइन टॉस गेम सजेस्ट किया था जो कि वन शॉट होगा, और उसमें साटो ने को उसके फादर की लाइफ बेट पर लगानी थी। तो फिर इसी के साथ अब शुरू करते हैं हम अपना एपिसोड नंबर 31। युइची साटोने से बोलता है, बेट योर फादर्स लाइफ साटोने, मैंने तुम्हारे बारे में काफी चीजें सुनी है कि कैसे तुम्हारे बेकार वक्त में काइडो ने तुम्हारा सपोर्ट किया था, वो काफी ज्यादा डिपेंडेबल था और तुम उसके साथ काफी खुश थी। तो अब बताओ क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? ऑफ कोर्स तुम होगी, है ना, क्योंकि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ कि तुम अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज को इस अनरीजनेबल गैम्बल पर बैट लगाओ। बट इस चेहरे का क्या मतलब है? क्या तुम्हें हंसी नहीं आ रही है? तुम्हें तो इन्हीं तरीके की क्रेजी गैम्बल्स करना काफ़ी पसंद है ना? और वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, मैं अभी काफ़ी पुअर स्टूडेंट हूँ जो कि अपने घर पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स बनाता है, और उन हर एक की कीमत 10 येन होती है, और अगर मुझे उनसे 800 मिलियन कमाने होंगे तो मुझे वैसे 80 मिलियन फ्लावर्स बनाने होंगे जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। बेशक अगर मैं पूरी ज़िंदगी बिना रुके काम करूँ तो भी ये नामुमकिन है। और हाँ, एक और बात, जहाँ तक मुझे पता है कोई है जिसने सुसाइड किया है बिकॉज वो अपने 1.2 मिलियन का डेब्ट नहीं चुका पाया था, और जहाँ तक मैं जानता हूँ देयर इज समवन जिसने किसी दूसरे को सिर्फ 40,000 येन के लिए मार दिया। और तुम ये कह सकती हो कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे प्यारे से पापा को 20,000 बार मार सकते हैं अगर तुम उन्हें 800 मिलियन येन दो। तो बताओ तुम्हें ये कैसा लगा? क्या तुम अभी ये सोच रही हो कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस दुनिया में ऐसे मूर्ख लोग भी हो सकते हैं? बट दैट्स द रियलिटी जिसको मैंने हमेशा विटनेस किया है। 800 मिलियन येन पैसे का वजन है। और अब मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ काइडो साटोने, तुम इस चीज पर एग्री होगी, है ना? तुमने कल ही कहा था कि तुम्हें इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर इस बैटिंग का अमाउंट बढ़ता भी है तो, क्योंकि उस तरह से ये बैटल और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगी। और अगर अब ये सच है तो तुम्हारे पास अभी कोई भी रीजन नहीं है कि तुम मेरी इस कंडीशन को मना कर पाओ। और इतना बड़ा लेक्चर सुनने के बाद साटोने की भी हाल बेहाल हो जाते हैं। वो काफी नर्वस हो जाती है और मन में सोचती है, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये बैटल जीत सकती हूँ, बट क्या होगा अगर मैं हार जाऊंगी तो? और फिर उसके बाद हमें उसकी पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। उसके स्कूल टाइम के दौरान कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, ये लड़की नंगे पैर क्यों है? अरे ये तो काइडो साटोने है फ्रॉम क्लास 2। मैंने सुना है कि ये हमेशा बुली होती रहती है। इस लड़की ने अपनी क्लास 2 की सारी लड़कियों से लड़ाई कर रखी है। सच में इस पर काफी तरस आता है। ये सच में काफी वियर्ड है। और मैंने ये भी सुना है कि ये काफी सनकी है और काफी बैड माउथ इंसान भी है, जिस वजह से ये क्लास में अकेली रहती है और कोई भी इससे बात करना नहीं चाहता। बट आखिर किस वजह से सब लोग इसके अगेंस्ट हो गए? और जब इसी चीज के लिए उस क्लास की क्लास रिप्रेजेंटेटिव उससे बात करने जाती है, क्योंकि उससे कोई भी बात नहीं करता था, बट तभी साटो ने काफी बुरा रिप्लाई देती है, शट अप यू फेकर, अपने आप को दूसरों के सामने अच्छा दिखाने के लिए मेरा यूज करना बंद कर। उसका काफी बुरा बर्ताव था, लेकिन मुझे लगता है कि असली बुरे लोग उसके पेरेंट्स हैं जिन्होंने इसे इस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया। उन लड़कियों ने बस इतना ही कहा था और तभी साटो ने उन पर कुछ चीज फेंक देती है और उनको बुरा भला बोलकर वहां से चली जाती है। और फिर घर जाकर काइडो उससे पूछता है, मैंने सुना है तुम्हारी दोबारा से स्कूल में लड़ाई हो गई, जिस पर साटो ने रिफ्यूज करती है और बोलती है, मैं तो सिर्फ सच बोल रही थी, क्या तुम उस पर डाउट कर रहे हो पापा? नहीं, मुझे पता है तुम्हारी आंखें लोगों को काफी अच्छे से परख लेती हैं और मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो, बट तुम स्कूल जाती हो और क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल बेकार होगा अगर तुम एक भी दोस्त नहीं बना पाओ तो? जिस पर साटो ने बोलती है, मुझे सच में दोस्तों की कोई भी जरूरत नहीं है बिकॉज मेरे पास तुम हो पापा, और जब तक तुम मेरे साथ हो जो मुझ पर बिलीव करते हैं तब तक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। युइची दोबारा बोलता है, बैट योर फादर्स लाइफ साटोने, और फिर वो काफी घबराहट के साथ बोलती है, मैं अपनी लाइफ बैट पर लगा दूं तो क्या वो चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो चीज तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा की लाइफ तुम्हारी खुद की लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? वेल, मुझे तुमसे काफी जेलसी हो रही है क्योंकि तुम इस चॉइस को बनाने में काफी परेशान हो, और इस चीज का मतलब ये होता है कि काइडो तुम्हारे लिए सच में काफी अच्छा पेरेंट है जिसे तुम मरते हुए नहीं देखना चाहती हो।
क्या तुम्हें पता है कि मेरे टीचर ने मुझे पाला और बड़ा किया? वो मेरा पेरेंट था। वो सच में एक हेल्पलेस स्कम था। वो कमीनों का भी कमीना था और इसी वजह से मैंने उसे अपने इन्हीं दोनों हाथों से मार डाला। और यही बात सुनने के बाद साटो ने सोचती है, इसने अपनी फैमिली को ही मार डाला। मैं हमेशा से ये देख सकती हूँ कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या सच, और इसी वजह से मैं अब बोल सकती हूँ कि इस आदमी ने सच में अपने पेरेंट को मार दिया। और इन अदर वर्ड्स, अगर अब मैं हारी तो पापा सच में मारे जाएंगे। फिर युइची आगे कंटिन्यू करता है, डोंट वरी साटोने, मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मैं तुम्हारे प्यारे पापा को तुम्हारी आंखों के ही सामने मारूं, क्योंकि मैं ये सुपर थिन नाइफ का यूज़ करूँगा तो ये बहुत टाइम लेगा। मुझे तुम्हारे प्यारे से पापा के शरीर में बार बार ये चाकू का वार करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद भी तुम्हारे पापा पूरी तरीके से नहीं मरेंगे, तो इस वजह से तुम उसे लास्ट फेयरवेल काफ़ी अच्छी तरीके से दे पाओगी, जबकि उसके धीरे धीरे सुन्न हो रहे शरीर से लार्ज अमाउंट में खून बह रहा होगा। और भाई, इतनी डरावनी बातें सुनने के बाद वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो बोलती है, नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा मरे। और युइची आगे बोलता है, मुझे लगा था जो लोग गैम्बल्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे, जो कि इतने स्टूपिड होंगे जिन्हें मनी की रियल वैल्यू पता ही नहीं होगी, और शायद कम्प्लीटली क्रेजी। और मुझे ऐसा लगा था कि तुम उस तरीके की इंसान हो जिनसे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, द क्रेजी वन, जिनके पास अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ लक है। बट तुम्हारे पास तो ये हिम्मत ही नहीं है कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा है तुम उसे दाव पर लगा पाओ। तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड हो और तुम्हें मनी की रियल वैल्यू के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। तो अब आखिर तुम क्या करोगी? अब तुम्हारे जीतने के 100% चांसेस भी नहीं रहे। अब तुम्हारा दिल भी वेवर कर रहा है। अब अगर तुम लड़ोगी तो तुम्हारे पापा पक्का मारे जाएंगे। और टोजो भी ये सब देख कर बोलता है, अब मुझे पता चला उसका यही मेन एम था कि वो साटोने को इस गेम के लिए गिव अप करा दे, और अगर वो ये करने में कामयाब रहता है तो वो टेक्निकली ये गेम जीत जाएगा। तो अब बताओ साटोने, क्या तुम अभी भी लड़ना चाहोगी? बट जैसे ही साटोने गिव अप करने वाली होती है, तभी काइडो साटोने को बैकअप देता है, ऑफ कोर्स वो ये बैटल लड़ेगी। तब युइची कंटिन्यू करता है, क्या तुम पक्का श्योर हो अगर वो हारी तो तुम मरोगे? जिस पर काइडो भी काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, नो प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज ये ज़रूर जीतेगी, नो मैटर कोई सी भी सिचुएशन हो, मुझे अपनी बच्ची पर हमेशा भरोसा है, और साटोने तुम्हारे अगेंस्ट जरूर जीतेगी। ये साटोने, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बट साटोने कुछ भी नहीं बोलती। क्या मैं तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा कर रहा हूँ, बट तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? और उसकी इतनी ही बात सुनते ही साटोने में एक अलग ही करंट दौड़ जाता है, ऑफ कोर्स मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और इस बैटल के लिए मैं तुमसे लड़ूंगी, बिकॉज मुझे मेरे पापा पर पूरा भरोसा है। पापा ने अगर बोल दिया कि मैं तुमसे जीत जाऊंगी तो ये बिल्कुल पक्का है कि अब तुम हारने वाले हो, ब्लैक पार्का। और तभी मिशिमा भी सोचता है, ये दोबारा से अपनी फुल स्ट्रेंथ में वापस आ गई, ये लगभग वैसी ही आंखें हैं जब इसने मुझे कम्प्लीटली मैशअप कर दिया था, जस्ट लाइक द आईज ऑफ अ बीस्ट जो कि हर चीज देख सकती है। और तभी शियो बोलती है, क्या ये सच में ये बैटल लड़ना चाहती है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। अभी टीम काइडो के पास काफी ज्यादा पैसे हैं और वो ये स्टेज काफी इजीली क्लियर भी कर सकते हैं, बट आखिर वो अब इस टाइम पर क्यों रिस्क ले रहे हैं? जिस पर टोजो बोलता है, आखिर कौन ही जानता है, हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि जितनी ज्यादा मीनिंगलेस बैटल होगी उतना ही ज्यादा गैम्बल में मजा आएगा, और ये भी हो सकता है कि उस आदमी का इस गेम के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट इंटेंशन हो। वो काइडो सुकासा है जो कि याकूजा ग्रुप का बॉस है और अभी इलीगल लोनिंग का काम करता है, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे डाटाबेस में थी। बट ये बंदा कम्प्लीटली मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। बट एक चीज़ जो अब क्लियर हो चुकी है, जो इन एक्शन से अभी कॉर्नर हुआ है वो डेफिनेटली काटागिरी की साइड है। और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो शुरू से ही साटोने पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज वो चाहता था कि वो इस बैटल से स्टेप डाउन कर जाए। बट हाउएवर, साटोने ने एंडिंग में ये गैम्बल एक्सेप्ट कर ही लिया। ऑफ कोर्स ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि अब उसके सेंसेस थोड़े डल हो गए होंगे, बिकॉज उसके फादर की लाइफ लाइन पर है। बट सिमिलरली अभी काटागिरी की भी यही कंडीशन है, बिकॉज उसने भी इस गैम्बल में अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को बैट पर लगाई है। तो क्या वो चीज़ 800 मिलियन यार है? नहीं, वो नहीं है। जो चीज़ उसके लिए 800 मिलियन से भी बढ़कर है
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू हिम वो है फ्रेंड्स। वो एक ऐसा इंसान है जो कि हमेशा से ही सोसाइटी के एक निचले हिस्से में रहता है और इसी वजह से काटागिरी काफी अच्छी तरीके से जानता है कि जो लोग पैसे के बदले में बिक जाते हैं उनके साथ आखिर क्या होता है। और अगर तुम इस चीज को ध्यान में रखती हो तो इस टाइम युईची पर साटोने के बराबर या उससे भी ज्यादा प्रेशर हो सकता है। और एक और बात, अगर तुम इस बारे में सोचती हो कि साटोने ओरिजिनली गैम्बलिंग करने में कितनी ज्यादा अच्छी है जबकि काटागिरी को उस चीज का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही वो इस चीज को पसंद करता है, और तभी शियो बोलती है तो जो अभी सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज में है वो युईची है। और युईची गेम आगे बढ़ाता है, जैसा कि मैंने तुमसे बोला था कि इस गैम्बल में सिर्फ एक ही राउंड होगा और जिसके लिए मैं अपना सारा करेंट सम और वो अमाउंट भी जो कि मुझे मेरे फ्रेंड्स को बेचकर मिलेगा ये सारी चीजें बेट पर लगा रहा हूँ, जिसका टोटल 800 मिलियन येन होता है। उसके बदले में तुम अपने फादर की लाइफ की बेट लगा रही हो। और उसके बाद युईची उससे लास्ट बार फिर से पूछता है तो क्या तुम पक्का ये गैम्बल करना चाहती हो, बट साटोने का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं हिलता। वो उससे बोलती है अब जल्दी करो, और तभी वो कॉइन उछाल देता है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। कॉइन जैसे ही ऊपर जाता है सारे लोगों की सांसें थम जाती हैं और युईची उस कॉइन को अपने हाथों से पकड़ देता है, बट वो इतना ज्यादा ऑब्वियस था कि सब लोगों को पता चल जाता है कि वो राइट हैंड में है। मिशिमा भी ये सोचता है कि मैं इतनी डिस्टेंस पर होने के बावजूद भी ये बोल सकता हूँ कि उसने क्लियरली वो कॉइन अपने राइट हैंड में ही ग्रैब किया है। और एटलीस्ट जो लोग अभी ये मैच देख रहे हैं उन्हें भी इस चीज के बारे में जरूर पता चल गया होगा, बट इस चीज पर बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि उसने इस लास्ट मोमेंट पर भी कोई गलती कर दी। और तभी युईची बोलता है तो बताओ कौन सा हाथ सटोने, जिसके बाद वो उसके दोनों हाथों को गौर से देखने लगती है। और मिशिमा सोचता है आखिर ये इतना टाइम क्यों लगा रही है, उसने ऑब्वियसली वो राइट हैंड में ही पकड़ा था, क्या वो अभी अपने आप पर डाउट कर रही है, क्योंकि ये काफी ऑब्वियस है। नॉर्मली वो ऐसी लड़की नहीं है जो कि इन सब चीजों के बारे में इतनी देर तक सोचे, बट इस टाइम वो ऐसा कर रही है। और बेशक मुझे ऐसा लगा था कि उसने अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर लिया है, बट शायद वो अभी भी डिस्टर्ब है। व्हाट अ लकी हिट, युईची उनके उस प्लान की वजह से इस वाइल्ड बीस्ट के सेंसेस भी डल पड़ गए और उसने अपनी लड़ने की एबिलिटी को खो दिया, और हो सकता है इस चीज की वजह से अब मुझे कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए। बट अगले ही पल साटोने बोलती है मैं राइट हैंड चूज करती हूँ, और बस तभी गेम खत्म हो जाता है। और जैसा कि मैंने सोचा था वो अब कम्प्लीटली कंपोज्ड हो चुकी है। साटोने युईची से बोलती है बेशक मैंने थोड़ी देर तक सोचा और इन दी एंड मैंने वही चीज पर बिलीव किया जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, और वही मेरी इंस्टिंक्ट्स भी बोल रही थी, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पापा भी यही बोलेंगे कि मैंने राइट चॉइस बनाई। और युईची उससे बोलता है क्या तुम पक्का श्योर हो कि ये राइट हैंड ही है, अगर तुमने अभी मिस किया तो तुम्हारे पापा मारे जाएंगे। बट उसी पर साटोने बोलती है मैं पक्का श्योर हूँ जो मरेगा वो तुम होगे ब्लैक पार्का, तो अब मैं इसे खोल रहा हूँ। और जैसे ही युईची वो हाथ खोलता है सारे लोग बस वही देख रहे थे कि आखिर उसमें कॉइन होगा या नहीं, बट इन दी एंड उसी हाथ में कॉइन होता है, और वहीं युईची के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। और फिर टोजो बोलता है तो आखिर का कॉइन उसके राइट हैंड में ही था, और ये गेम काटागिरी की लॉस के साथ एंड होता है। उसकी टीम अब सब कुछ खो चुकी है और इसमें वो अमाउंट भी शामिल है जो कि उसे अपने उन दोनों दोस्तों को बेचकर मिलता। अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये काटागिरी की कंप्लीट लॉस है। बट फिर भी शियो बोलती है नहीं प्लीज रुको, मुझे पक्का भरोसा है कि युईची के पास अभी भी कुछ प्लान बचा होगा, और हमेशा की तरह वो फिर से हंसना स्टार्ट करेगा, इस सिचुएशन को अपने ही बेनिफिट के लिए यूज करेगा। जिस पर टोजो बोलता है क्या वो अब अपनी सिचुएशन को यहाँ से चेंज कर सकता है, तुम खुद ही उसके चेहरे को एक बार क्यों नहीं देखती। और सच में काटागिरी की बैंड बजी हुई थी, मुझे नहीं लगता कि अब वो यहाँ से अपनी सिचुएशन चेंज कर सकता है। बट सीओ बोलती है मुझे ये यकीन है कि ये पक्का एक एक्ट होगा, अभी बस कुछ ही टाइम बाद वो कुछ बोलना स्टार्ट करेगा। और वहां पर साटोने मनाबू से पूछती है ये मेरी जीत हुई है ना मनाबू, और मनाबू भी बोलता है हाँ युईची इस गेम का लूजर है। लेकिन वहीं पर युईची उसे रोकता है, और तभी सीओ बोलती है देखो मैंने बोला था ना उसके पास जरूर कोई सीक्रेट प्लान होगा। और युईची उससे बोलता है ये बैटल जो अभी हुई वो काउंट नहीं की जाएगी, और मनाबू के पूछने पर बताता है क्योंकि तुम देख सकते हो कि मैंने जब कॉइन टॉस किया था
तो वो कम्प्लीटली मैश्ड अप हो गया था और तब हर कोई देख सकता था कि मैंने उसे अपने राइट हैंड से ही पकड़ा था। तुम जानते हो ना कि ये हमारी लास्ट बैटल है और इतनी वन साइडेड बैटल हमारे गेम के लिए फाइनल बैटल बनने के लायक ही नहीं है, है ना? तो तुम क्या सोचती हो, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? ये बिल्कुल भी फेयर बैटल नहीं थी। बट इतनी बेकार बात सुनते ही मनाबू उसे धक्का दे देता है और गुस्से में बोलता है, मेरे साथ नाटक करना बंद करो यूजी को, चलो एक दफा मैं तुम्हारी बात मान भी जाता हूँ और इस मैच को दोबारा कंडक्ट कराने का सोचता भी हूँ, बिकॉज वो तुम्हारी एक मिस्टेक थी। बट ये मैच मैं दोबारा नहीं करा सकता क्योंकि हमारा विनर ऑलरेडी चूज हो चुका है, जबकि ये डिसाइड हो चुका है कि साटो ने चांद जीत गई है, तो ये तुम्हारी हार हुई यू इडियट। बट तभी युईची पागलों की तरह कहने लगता है, तो चलो हम इस गेम को बेस्ट ऑफ 3 राउंड बनाते हैं, तुम्हें क्या लगता है? ये तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा और अगर तुम इसे नहीं खेलोगी तो ये टोटल वेस्ट होगा, है ना? तो तुम्हें मेरी चॉइस कैसी लगी, बोलो। हाँ बोलो हाँ। वो उस मोमेंट पर पूरी तरह से मेंटल शॉक में चला गया था और वो लोगों से सिर्फ भीख मांग रहा था कि कैसे भी करके ये राउंड कैंसिल हो जाए या फिर इसे दोबारा कंडक्ट कराया जाए। बट एट दी एंड ऐसा कुछ भी नहीं होता और टोजो भी सीओ को समझाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि तुम अभी सोच रही होगी कि उसके पास जरूर कोई प्लान होगा, क्योंकि हमने उसे काफी सारे राउंड्स में देखा है जब उसने अपनी बुरी सिचुएशन को एकदम से चेंज कर दिया। पर तुम एक बार खुद से सोचो, क्या अब उस पर कोई भी तरीका होगा कि वो अपनी सिचुएशन को चेंज कर पाए? इस गेम का सबसे बड़ा पार्ट ये है कि तुम पैसों से कुछ भी खरीद सकते हो, और अगर तुम इसके बारे में सोचोगे तो इसका मतलब ये भी होता है कि विदाउट पैसे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और ऑन टॉप ऑफ दैट, बिकॉज सारी टीम्स का सम उस डिस्प्ले पर दिखाई देता है, तो तुम्हारी कोई भी ट्रिक कभी छुपी नहीं रहेगी और काइडो साटो ने कभी भी बोर्ड का कोई भी चेंज मिस नहीं करती। तो इसी वजह से उसके लिए, जिसके पास अब कोई भी मनी नहीं है ना ही कोई ट्रिक बची है, वो अब यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता है। बट सीओ इस चीज को मानने को तैयार नहीं थी। वो बार बार उससे बोल रही थी, मुझे भरोसा है कि उसके पास जरूर कोई प्लान होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो जैसा एक्ट कर रहा है वो काफी वियर्ड है? इस पर टोजो उसे समझाता है, हाँ ऐसा हो सकता है, बिकॉज वो जानता है कि जो लोग सोल्ड आउट हो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। बेशक मुझे उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं पता, बट जिस माँ ने उसे एडॉप्ट किया था काटागिरी को, वो भी पैसों के लिए सोल्ड आउट हो गई थी, जो कि काफी हॉरिबल तरीके से ट्रीट हुई थी। और काटागिरी जिसने वो सारा सीन देखा था, वो ये चीज कभी भी नहीं भूल सकता। सो अब क्योंकि उसे वो एक्सपीरियंस याद है और जो चीजें होती हैं वो पता है, तो अब वो ये चीज इमेजिन कर पा रहा है कि उसके दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, और इस वजह से वो अपने सेंसेस में नहीं है। उसे नहीं पता कि अब उसे कैसा एक्ट करना चाहिए, और रियल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। युईची काफी परेशानी में चला गया था, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा, मैं जानता हूँ, प्लीज प्लीज कोई मुझे पैसे उधार दो जिससे कि मैं इससे एक और बैटल कर पाऊँ, मुझे पक्का भरोसा है कि मैं नेक्स्ट टाइम जरूर जीत जाऊंगा। और टोजो आगे कंटिन्यू करता है, युईची अब कम्प्लीटली होपलेस हो गया है। जो इंसान बोलता है कि वो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली जीत जाएगा, वो गैम्बल में सब कुछ खो देता है। काटागिरी युईची अब कम्प्लीटली बर्बाद हो चुका है। तो ये बताओ तुम क्या सोचती हो इस पर? तुम भी अब उसे कोई भी बैकअप नहीं दे पाओगी, सुकीनो? और जिसके बाद सुकीनो कुछ टाइम सोचने के बाद बोलती है, हाँ वो ये बैटल हार चुका है। और उसकी ये बात सुनने के बाद सीओ भी मान जाती है कि अब युईची के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है और इस सिचुएशन में कोई भी उसे पैसे उधार नहीं देगा, बिकॉज टीम काइडो के अलावा सारे लोगों की पैसों के मामले में काफी बुरी सिचुएशन थी। और बेशक अगर वो इस चीज में कामयाब हो जाता है कि वो रीमैच करने में कामयाब हो जाए, तो भी मुझे नहीं लगता कि वो कैसे भी करके जीत पाएगा, क्योंकि अब वो टोटली मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान होगा जो अब उसे पैसे उधार दे, बिकॉज वो खुद जानता होगा कि वो पैसे उसे दोबारा नहीं मिलेंगे। बट तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। एक इंसान बोलता है, मैं तुम्हें वो पैसे दूंगा, और वहां पर खड़े लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो इंसान होता है कामिशिरो सायका, और युईची को उसकी लास्ट रे ऑफ होप दिख जाती है। कामिशिरो युईची से बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हें ये पैसे उधार दे सकता हूँ। बेशक ये सबसे बुरी चीज नहीं है जो मैंने तुम्हारे बारे में देखी है, बट तुम्हारा ये अभी का सीन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हारे लिए वो पैसे बना दूंगा।
बट इस पर ही युइची बोलता है, मैं तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया करता हूँ इस बात के लिए, बट कामिशिरो-सान तुम्हारे पास खुद भी कोई पैसे नहीं है तो तुम मुझे वो पैसे कैसे दोगे? जिस पर कामिशिरो बोलता है, इट्स ऑल राइट, तुम इस चीज की चिंता मत करो क्योंकि मैं इसे सेल कर दूंगा। बट युइची को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि एक इंसान को सेल आउट करने से उसे कितने ही पैसे मिल जाते। और उस चीज के प्रूफ के लिए कामिशिरो मनाबू से उस लड़की की वर्थ पूछता है और मनाबू जब उसकी वर्थ बताता है तो बाकी सारे लोग शॉक हो जाते हैं बिकॉज वो अकेली लड़की ही 350 मिलियन येन की थी। और कामिशिरो आगे बोलता है, खैर इतने तक की तो उम्मीद ही थी बिकॉज मैंने उसमें अपनी हर एक चीज को समाहित कर दिया है और जिस वजह से वो सबसे अच्छी औरत है। और फिर युइची उससे बोलता है, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने उसमें क्या समाहित कर दिया है, बट क्या तुम अपने इतने इम्पोर्टेंट इंसान को मेरे लिए बेचना चाहोगे? जिस पर कामिशिरो उसे समझाता है, जैसी हमारी अभी की हालत है मुझे किसी ना किसी को तो बेचना ही पड़ता, अगर तुम जीतते हो तो तुम मुझे ये पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस करोगे जिससे मैं बाकी सारे लोगों को वापस खरीद पाऊंगा, तो अब तुम मुझे दिखाओ कि तुम अपने फाइनल मोमेंट में कितना स्ट्रगल करते हो। और फिर ये सुनने के बाद युइची उससे सिंपली बोलता है, तो प्लीज अब मुझे ये पैसे उधार दे दो। जिस पर कामिशिरो बोलता है, उससे पहले क्यों ना हम अपने आपस की इन बैड फीलिंग्स को खत्म करते हैं। बट ये चीज युइची को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? जो भी सारी चीजें कल हुई थी, मैं तुमसे हार गया था और तुमसे ह्यूमिलिएट भी हुआ था, मैंने कल काफी डर महसूस किया था। और अभी क्या तुम सच में अभी सोच रहे हो कि मैं तुम्हें इतने सारे पैसे ऐसे ही फ्री में दे दूंगा? मैं कम से कम इतना तो चाहता ही हूँ कि जैसी फीलिंग मैंने कल एक्सपीरियंस की थी वो सेम चीज तुम भी एक्सपीरियंस करो युइची। और फिर वो युइची के पूछने पर बताता है, तुझे मेरे सामने झुककर अपनी जान की भीख मांगनी पड़ेगी जैसे कि मैंने कल मांगी थी, तो पूरे दिल से मेरे पैरों में गिड़गिड़ाकर भीख मांग। और खैर वैसे भी ये तेरे लिए सबसे इजी पेमेंट होगा क्योंकि इससे तू अपने सारे डियर फ्रेंड्स को बचा पाएगा। और फिर युइची उसके सामने झुककर माफी मांगने लगता है, बट तभी कामिशिरो अपने पैर से उसका सर और झुका देता है। बट ये सारी चीजें युइची को झेलनी पड़ती है। युइची बोलता है, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे पैसे दे दो, मेरे पास अपने दोस्तों को बचाने का कोई भी और तरीका नहीं है। बट तभी वो कामिशिरो बोलता है, नेवर माइंड, आखिर कौन तुझ जैसे बास्टर्ड को एक भी पैसा उधार देगा? और वो ये बोलने के बाद काफी जोर जोर से हंसने लगता है। ये सच में कोरोकी से भी ज्यादा बड़ा कमीना था। और फिर युइची काफी गुस्से में आकर उसकी कॉलर पकड़कर बोलता है, जस्ट शट अप और मुझे वो पैसे उधार दे यू ओल्ड फार्ट, नहीं तो मैं तुझे इसी बोट से बाहर फेंक दूंगा। और तभी उनके बीच में मारिया आकर बोलती है, अब बस तुम लोग यहीं पर रुक जाओ क्योंकि ये शिप SS ग्लोरी डेज जस्ट अभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। और यहीं पर युइची काफी ज्यादा शॉक होकर बोलता है, क्या वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया? तो क्या इसका मतलब यही होता है? बट तभी मारिया बोलती है, हाँ बिल्कुल, अब ये ऑल बैट गेम ऑफिशियली एंड होता है। और इसके बाद युइची को और भी बड़ा सदमा लगता है, ये नहीं हो सकता, अब मैं और फाइट नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं कम्प्लीटली हार चुका हूँ। और मारिया आगे बोलती है, तो प्लीज सब लोग अपने उतरने की तैयारी करें, और अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो सभी अपने डेब्ट्स का भुगतान करें और अपने फ्रेंड्स को दोबारा बायबैक करें। और इसी के साथ टीम काइडो अपने 3 सोल्ड आउट मेंबर्स को वापस खरीद लेती है और उनके पास करेंटली 916 मिलियन येन की होल्डिंग होती है। कामिशिरो की टीम में सिर्फ 2 लोग बचे थे और उनकी करेंट होल्डिंग होती है पूरे 290 मिलियन येन की। मिशिमा ने एक इंसान को 200 मिलियन में बेच दिया था और करेंटली वो 2 लोग बचे थे विद द सम ऑफ 200 मिलियन येन। और लास्टली अपनी टीम काटागिरी के 2 मेंबर सोल्ड आउट हो चुके थे और युइची बस अकेला बचा था विद नो मनी। और ये रहे तुम लोगों के फाइनल रिजल्ट्स। बट ये देखने के बाद सीओ को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। वो बोलती है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि वो सच में हार गया, इवन दो सारे लोगों ने काफी हार्ड ट्राई किया था बट फिर भी कुछ नहीं हो पाया। और वो मन में सोचती है, शायद मुझे कुछ करना चाहिए, अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो मेरे सारे फ्रेंड्स उस रियल ट्रेटर की वजह से मारे जाएंगे। बट तभी वहां पर टोजो काफी तेजी से चिल्लाता है, नो वेट अ मोमेंट, आखिर अभी यहाँ पर हो क्या रहा है? सुकीनो, क्या तुम ये सब जानती हो कि अभी क्या होने वाला है? और तभी सुकीनो हंसते हुए बोलती है, बेशक मैंने तुमसे बोला था कि वो फाइनल बैटल हार चुका है, बट मैंने ये कभी नहीं बोला कि वो सारी चीजें हार चुका है।
जस्ट ये याद करने की कोशिश करो कि आखिर इस पूरे गेम का फ्लो क्या था, और उस चीज के आंसर तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन दोनों चीजों पर ध्यान देना होगा, जो कि हैं वो रूल्स जो उसने प्रिपेयर किए थे, और दूसरी उसकी खुद की वैल्यू। और इन्हीं दोनों चीजों का उसने फायदा उठाया, और जो चीज उसके मास्टर ने उसे सिखाई थी वो चीज उसने यूज की, और फिर वो उन्हें वो सारी बातें बताती है जो भी युइची और उसके मास्टर के बीच में हुई थी। और उसका फाइनल सेंटेंस कुछ ऐसा होता है, जब युइची पूछता है तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जब हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां नो मैटर व्हाट हमें गैम्बल करना ही पड़ेगा। और तभी उसका मास्टर बताता है, तो उस टाइम के लिए तुम्हें ये स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ेगा जिससे तुम कोई भी गैम्बल कभी भी नहीं हार सकते हो। और भाई रियल में भी ऐसा ही होता है, आखिरकार युइची ने वो स्पेशल मेथड यूज कर ही लिया था। लेकिन वो स्पेशल मेथड क्या था वो तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, बिकॉज ये एपिसोड अब यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड इस गैम्बलिंग आर्क का लास्ट एपिसोड होगा और वो 27 को अपलोड होगा। तो फिर ज्यादा कुछ नहीं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज तुम लोग जानते हो इसका पार्ट 2 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही स्टार्ट होगा। और हाँ भाई जीरो फूकू भाई, थैंक यू सो मच चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। और फिर इसी के साथ हम मिलते हैं गैम्बलिंग आर्क के फाइनल एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।